हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपने बात कर देंगे प्रतिरोधकों के, जो छोटे प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं उनके ऊपर एक विशेष कलर के पॉइंट्स देते दिए होते हैं, ये यूं कह लो कि बिंदियां दी होती हैं। तो अगर आपके प्रतिरोध की संरचना की बात करें तो इस तरीके का कुछ एक आपका प्रतिरोधक होता है, उसके ऊपर इस तरीके से चार पट्टियां बनी होती है, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी और ये चौथी पट्टी। कोई भी किसी भी प्रकार की वैल्यूज के ऊपर नहीं लिखी होती, सिर्फ पट्टियां दी होती हैं। तो इन पट्टियों के माध्यम से अपने कैसे इस प्रतिरोधक की वैल्यू है जो ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज अपने इस वीडियो की उसी टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड के ऊपर एक सारणी देख रहे हो जिसके अंदर रंग, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, चार कॉलम बने हुए हैं और इन चारों के अंदर रंगों के आगे कुछ एक न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, कुछ एक संख्या लिखी हुई है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे ये देखिए कि पहली पट्टी, तो पहली पट्टी का मान कितना, किस रंग का क्या मान होगा वो इस पट्टी में से देख के रखना है। उसी तरीके से प्रतिरोध के लिए दूसरी पट्टी क्या मान होगा इस तरीके से देख के रखना है। उसके बाद में तीसरी पट्टी, तीसरे रंग का मान देख के इसके अंदर रख देना है। और तीसरी पट्टी के नीचे देखो आप एक ये लिखा रहा गुणा कर, पहली दो संख्याओं के साथ जो तीसरी पट्टी का मान होगा उसका क्या होगा, गुणा होगा। पहली दो सीधी की सीधी लिखी जाएगी, उसके बाद में गुणा का निशान आएगा, फिर आपकी जो गुणन की संख्या होगी वो इसके अंदर लिखी जाएगी और चौथी पट्टी के अंदर आपके ऐसे का ऐसा मान है जिस लिखा जाएगा प्लस माइनस 2% 3% जितना भी उसका मान है उस चीज का उतना रखा जाएगा। अगर कोई मान नहीं है तो वो कोई भी मान नहीं रखा जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आप देख रहे हो काला रंग, रंग के अंदर पहला है काला, काले को अपने क्या बोलते हैं, ब्लैक। पहली पट्टी के लिए मान 0, दूसरी पट्टी के लिए मान 0, तीसरी पट्टी के लिए मान 1, चौथी के अंदर फिर 0 कोई मान नहीं। उसी तरीके से दूसरा है भूरा यानी कि ब्राउन, पहली पट्टी के लिए मान 1, दूसरी के लिए 1, तीसरी के लिए 10, चौथी के लिए प्लस माइनस 1%। इसी तरीके से आप पढ़ते जाइए। लाल, रेड, नारंगी, ऑरेंज, पीला, येलो, हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू, बैंगनी, वायलेट, स्लेटी, ग्रे, सफेद, व्हाइट, सुनहरा, गोल्डन, चांदनी, सिल्वर, कोई रंग नहीं, नो कलर। तो आप इस पहली पट्टी के अंदर रंगों के अंदर देखिए जो अपने रंग हैं उनकी इंग्लिश वर्ड के अपने पहले पहले जो वर्ड हैं, जो अक्षर हैं वो अपने लिख लिए हैं। तो अब इनको याद करने का आपको एक विशेष तरीका बताता हूं। बीबी आर ओ वाई रोए, बीबी रोए, जी बी एन जी बी, ग्रेट ब्रिटेन, जी बी ग्रेट ब्रिटेन, वी जी डब्ल्यू वेरी गुड वाइफ। वैसे तो होती नहीं है पर फिर भी अपने को याद करने के लिए ये चीज लिखनी पड़ेगी, वेरी गुड वाइफ, क्योंकि वाइफ एक ऐसा शब्द है जो कभी गुड नहीं होता। उसके बाद में लिखते हैं अपने डब्ल्यू तक हो गया जी एस एन, जसविंदर सिंह नरुला। तो ये आपको एक याद करने का तरीका बताया है, जैसे बी बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, जसविंदर सिंह नरुला। तो ये आपको एक कोड मिल गया आपको सारे रंगों को याद करने के लिए। उसके बाद में अपने मान कैसे रखते हैं, मान रखना है पहली दो पट्टियों के अंदर मान सेम रहेगा। जीरो से गिनती कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से और कहां तक जाती है, नौ तक। तो जीरो से नौ तक पहली काला जीरो, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू लिखते हैं, ये 9 तक लिखिए, बाकी जो आपके पास बचता है उसको डैश कर दीजिए। सेम टू सेम दूसरी पट्टी के अंदर उतारना है 0 से 9 तक गिनती, लास्ट के अंदर जो बचता है उसको डैश कीजिए। फिर अपने बात करते हैं तीसरी पट्टी की। तो तीसरी पट्टी के अंदर गुणक आ जाता है, गुणक के अंदर आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने 1 लिख दिया, अब उसके बाद में दूसरे कॉलम के अंदर आते हैं यानी दूसरे रंग के अंदर आते हैं, दूसरा रंग है आपका ब्राउन भूरा। तो अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपके कॉलम बढ़ते जाएंगे, यहां पे 1 है तो 1 के साथ 1 0 लगा दीजिए। फिर तीसरी पट्टी के अंदर आइए, तीसरे कॉलम के अंदर आइए, यहां पे देखिए 2 है तो 1 के साथ 2 0 लगा दीजिए। फिर आइए तीसरे चौथे कॉलम के अंदर, वहां पे उसके सामने देखिए, यहाँ पे 2 3 2 0 लगा दी, यहाँ पे 3 है तो 1 के साथ 3 0 यानी कि किलो 1000 ओम बन जाएगा।
किलो बढ़ जाएगा। उसके किस अगले कॉलम में आइए, चार है तो 10 के साथ 4 जीरो लगाइए, 5 है तो 1 के साथ 5 जीरो लगाइए, 6 है तो 1 के साथ 6 जीरो लगाइए। मेगा तक करने के बाद में तीन कॉलम आपके साथ 8 और 9 तीनों खाली छोड़ते हैं। अब उसके बाद में क्या करना है, उल्टा करना है। सुनहरा और चांदनी दो ही लिख रहे हैं, दोनों के अंदर क्या लिखना है, एक के अंदर को 0.1 लिखना है, एक के अंदर 0.01 लिखना है। फिर चौथी पट्टी के अंदर बात करें, पहली पट्टी के अंदर कोई मान नहीं आएगा, पहले कॉलम के अंदर कोई मान नहीं आएगा, फिर 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 2 3 4 परसेंट लगातार आएंगे। फिर लास्ट के अंदर सुनहरे के अंदर जाके सुनहरा चांदनी और कोई कलर नहीं के अंदर प्लस माइनस 5%, 10% और 20%। इस तरीके से आपको सारणी बनानी है। याद करने का आपको तरीका बता दिया। पहली बात तो इसके अंदर से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी आपके पेपर के अंदर आपको एक डेफिनेटली इसके अंदर चाहे कंपटीशन हो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब अपने बात करें कि इसका सवाल इस प्रतिरोध की वैल्यू याद कैसे करते हैं। आप ये मानिए कि ये जो कलर देख रहे हैं आप, भूरा काला सुनहरा सुनहरा, ये चार कलर आपने अपने लिखे हैं। ये चार रंग मानिए, पहला रंग है आपका भूरा ब्लैक, दूसरा रंग है आपका सॉरी पहला रंग है भूरा ब्राउन, दूसरा है ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला, तीसरा है गोल्डन सुनहरा, चौथा है गोल्डन सुनहरा। ये आपने चार रंग मिल गए। अब अपने चार रंगों का मान किसमें किसमें से देखिए। पहली पट्टी के लिए भूरे का मान देखिए कितना है, एक है तो एक लिख दिया आपने। अब दूसरी पट्टी के लिए काले का मान देखिए कितना है, जीरो है तो जीरो लिख दिया। अब तीसरी पट्टी में आइए, तीसरी पट्टी के अंदर आगे सुनहरे का मान देखिए, तो तीसरी पट्टी के अंदर सुनहरे का मान है आपका 0.1। अब आप आइए चौथी पट्टी के अंदर सुनहरा प्लस माइनस 1 सॉरी कितना है 5% प्लस माइनस 5%। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए आपका जो भी है आंसर वो आ जाएगा। जब अपने गुणा करेंगे तो आपका जो भी आंसर है वो आपके पास परफेक्ट आ जाएगा। कितना आता है करिए करिए जल्दी से करिए, आपको 2 मिनट का टाइम है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब आपका जो भी आंसर आया, अब मैं जो आपको आंसर बताऊंगा उसके साथ मिलान कर लेना। पहले दो अक्षर वैसे के वैसे उतार लिए हैं, काले के अंदर सॉरी भूरे के अंदर एक था, अपने एक उतार दिया, काले के अंदर जीरो था, अपने जीरो उतार दिया। फिर गुणक आया, गुणा के अंदर सुनहरे का जो तीसरी पट्टी के अंदर मान था वो था 0.1, अपने 0.1 उतार दिया। फिर चौथी पट्टी के अंदर मान था प्लस माइनस 5% उतार दिया। अब 10 को 0.1 से गुणा करना था तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0 या 1 कह लो, 1 ओम प्लस माइनस 5%, ये आपका आंसर है। अब इसको अगर आपने आगे सॉल्व करना है तो प्लस माइनस 5% का अगर आपको अगर पहली बात इतना डीप पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो एक बार आपको प्लस 5% प्लस करने हैं और एक बार आपको 5% माइनस करने हैं अगर आगे आप सॉल्व करना चाहते हो। अब अपने दूसरे सवाल की बात करें, लाल बैंगनी नारंगी सिल्वर, तो ये रहे आपके सामने कलर। लाल के अंदर पहली पट्टी के अंदर लाल का रंग 2 है तो आप यहां पे लिखिए 2। दूसरी पट्टी के अंदर बैंगनी का रंग, बैंगनी पट्टी दूसरी 7 है तो यहां पे 7 लिखिए। फिर तीसरी पट्टी गुणक है तो गुणा आएगा। तीसरी पट्टी के अंदर रंग आपका नारंगी और नारंगी कहां पे आपका ये रहा ऑरेंज, यानी कि 10 की 3। और चौथी पट्टी आपकी सिल्वर, तो सिल्वर का जो मान है वो है प्लस माइनस 10%। तो अब इस तरह इसको आपने सॉल्व करें तो 27 × 10³ तो 27,000 हो गया। इसको अपने किलो लिख सकते हैं, किलो ओम प्लस माइनस 10%, ये आपके दूसरे का आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल, या तो आपसे सवाल पूछेगा, सवाल अगर आपको ये चीज पूछेगा आपके अगर सारणी याद है, रखने का तरीका याद है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। पेपर के अंदर सवाल आपका अगर कंपटीशन की बात करें तो 1 नंबर या 2 नंबर का आता है, और इसी तरीके से 1 या 2 नंबर का आपका सवाल आराम से कंपटीशन के अलावा आपके आईटीआई के एग्जाम के अंदर भी ये चीज
आती है। आज के लिए एक मिनट और है आपका, एक प्रत्यक्ष मान विधि होती है और आपको बता देता हूं। प्रत्यक्ष मान विधि के अंदर क्या होता है, जो आपके अक्षर दिए होते हैं, प्रत्यक्ष मान विधि मानिए, सीधे का सीधा ऑप्शन होता है। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए आप R 22, ये यानी कि एक आपके पास प्रतिरोधक है, उसके ऊपर ये चीज लिखी हुई है, ये मान लीजिए आपका एक प्रतिरोधक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है R 22, प्रत्यक्ष यानी कि सीधे रूप से। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपका इंग्लिश का अक्षर है उसकी जगह आपने क्या करना है, डॉट लगा देना है। इसकी जगह हमेशा क्या करना है, आपने डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद में जो संख्या है उसको वैसे की वैसे उतार के लास्ट के अंदर ओम, तो ये आपके इस प्रतिरोध की वैल्यू होगी। अक्षर सिर्फ दो छोड़ने हैं आपने, पूरे इंग्लिश की वर्णमाला से आपने सिर्फ और सिर्फ दो अक्षर छोड़ने हैं, और वो कौन से हैं आपका, के और एम, क्योंकि के का मतलब होता है 1000 यानी कि, और मेगा का मतलब होता है 10 की 6, ठीक है। ये दो अक्षर छोड़ने हैं। ये मानिए कि आपका एक 27 के ओम, ठीक है, या 27 के, इस तरीके से मानिए कि आपका एक 27 के लिख रखा है, तो एक सेकेंड रुकिए, 27 के की जगह करिए आप 2 के 7, ये मानिए 2 के 7 ये चीज लिखी हुई है, तो के की जगह डॉट तो होगा ही होगा, लेकिन वो के जो है वो उठ के उसके लास्ट के अंदर लग जाएगा, यानी कि जो आपको पहले विधि बताई है उसके अनुसार 2.7। तो K और M आपको मैंने बताया है इसी के ऐसे के ऐसे रहेंगे, ये दो कभी चेंज नहीं होते। पॉइंट अक्षर था हटा दिया, K पॉइंट आ गया, तो K का मतलब क्या होता है, किलो, जो आपका ये मान के लास्ट के अंदर चला जाएगा किलो ओम हो जाएगा, यानी कि जो 2 के 7 है इस प्रतिरोध का मान जो होगा आपका 2.7 किलो ओम इतना होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर M आया है उसकी जगह तो M की जगह पॉइंट लगा के M को ओम से पहले लगा दो, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।